किस क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? 12th हो गई आप लोगों की, तो 11th चल रही। एग्ज़ाम आप सबका हो चुका है? सबका हो चुका है ना, ठीक है। तो ज़रा कुछ चीज़ें बताओ हमें। सो कौन साहब है ये? कौन है ये? अरस्तु। अरस्तु इंग्लिश में इन्हें एरिस्टॉटल के नाम से जाना जाता है। अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टॉटल के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। नोट करते जाइएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। कौन है ये? एरिस्टॉटल यानी कि अरस्तु। एरिस्टॉटल यानी कि अरस्तु, ठीक है। आप सभी को इंग्लिश लिखने में कोई समस्या तो नहीं है? अगर आपको जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पे हम आपको लिखवाएंगे हम इंग्लिश में, लेकिन बताएंगे हम हिंदी में। लिखवाएंगे हम इंग्लिश में, बताएंगे हम हिंदी में, अभी ठीक है? जैसे एक बार हमने एरिस्टॉटल बोला लेकिन 5-6 बार हमने हिंदी में अरस्तु बोला था। लगातार पेन आपकी चलनी चाहिए, लगातार पेन चलाइए। लिखो यस नहीं लिखो, क्या है एरिस्टॉटल को हिंदी में क्या कहेंगे? अरस्तु। कितनी सिंपल चीज़ है ना। जैसे एक आध बार आप लोग इस्तेमाल करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको अंग्रेजी से डर भी खत्म हो जाएगा, ठीक। जहाँ नहीं समझ में आएगा आराम से पूछ लेना कि सर इसका मतलब बता दीजिए, ठीक। अपन यहाँ सीखने आए हैं, चिंता कोई बात नहीं, सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कोई बड़ी कठिन भाषा नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इंग्लिश बहुत आसान सी भाषा है, ठीक। कोई फादर मतलब जानती हैं, पिता या जनक, ऑफ का मतलब का, बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान के, तो जीव विज्ञान के जनक लिखें या फादर बायोलॉजी लिखें, बात तो एक ही है। अभी समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक, डर खत्म, थोड़ा राहत मिली। चल थोड़ा पानी पी लें। बच्चों इनके बारे में बताइए, ये कौन है? ये है थियोफ्रेस्टस। ये है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस तो ये पहला नंबर डाल के लिखिएगा, दूसरे नंबर पे डाल के लिखिएगा थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। फादर ऑफ बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस अरस्तु बायोलॉजी के जनक तथा जूलॉजी के जनक यानी कि जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, जबकि थियोफ्रेस्टस किसके? वनस्पति विज्ञान के। तो प्रिय विद्यार्थियों, जूलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी कि जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। और बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? वेरी गुड, बॉटनी के अंतर्गत स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। यहां तक कि इंग्लिश में किसी को समस्या तो नहीं आ रही है? मैं खुद भी हिंदी भाषी मीडियम से हूं इसलिए कोई समस्या की बात नहीं है। हम तो समझ ही रहे हैं क्या समस्या हम दोनों के साथ आती है। हिंदी मीडियम होना गलत नहीं है, बस यह है कि अंग्रेजी को स्वीकार न कर पाना। अंग्रेजी को हम स्वीकार करेंगे और धीरे धीरे MBBS करेंगे, इंग्लिश मीडियम से करेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि जो विज्ञान है बेसिकली बायोलॉजी जो है वह भारत देश में नहीं खोजा गया, वह खोजा गया कहाँ? विदेशों में, ठीक। तो जहाँ से खोजा गया हम उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा में कन्वर्ट करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के आधार पर अध्ययन करेंगे इंग्लिश में, ठीक। लेकिन जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पर मैं क्या करूँगा? आपको हिंदी में बता दूंगा। हमारी बातचीत किस में होगी? हिंदी में होगी। अभी समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा बच्चों, शुरुआत करते हैं नीट की, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यह पहली क्लास है, यही है ना, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लिया है आप लोगों ने? कुछ चीज़ें जान जाया जाए, नीट कैसा है, क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया जाए, ठीक। हम लोग ऐसी पढ़ाई करने जा रहे हैं जिसको करने के बाद आप सभी को समाज में एक बहुत बड़ा अच्छा सम्मान दिया जाएगा। डॉक्टर्स को सम्मान दिया जाता है ना, क्यों जैस्मिन दिया जाता है सम्मान? देखो नीट, NEET, नीट का फुल फॉर्म बताएगा कोई? एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है।
बच्चों, नीट के द्वारा हम लोग किस में जाते हैं? मेडिकल लाइन में, ठीक है? मेडिकल में करियर चूज़ करते हैं, अपना मेडिकल लाइन में करियर को अपने चूज़ करते हैं। देखो दोस्तों, मेडिकल डॉक्टर बनने से एक सम्मान तो मिलता है, नो डाउट, सबसे पवित्र जॉब है। टीचर और डॉक्टर एक बड़ा पवित्र जॉब है। इन अगर धरती पे किसी को भी बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता होगा भगवान के बाद, माता पिता के बाद, तो वह मिलता होगा डॉक्टर को, और उसके बाद बचा कुचा मिलता होगा शिक्षक को, ठीक है? बाकी सम्मान सबको करना भी चाहिए, मिलता भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है भगवान, माता पिता के बाद डॉक्टर को, ठीक? तो आप लोग इस लाइन में जाने वाले हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर करना है हमें। नीट का जो एग्ज़ाम है उसे कंडक्ट करता है NTA। क्या है भैया NTA? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वेरी गुड, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। अब इसमें जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे उसको हम मिलेगा क्या? MBBS, ठीक है? फिर उसके बाद किसको क्या मिलेगा? BHMS, फिर मिलेगा BDS और सो ऑन, BAMS। यह सभी लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? डॉक्टर कहे जाते हैं। बैचलर डिग्री होती है, या जैसे ग्रेजुएशन हम लोग करते हैं BSc, BA, उसी तरह से यह भी एक तरह की बैचलर डिग्री है। क्या है? बैचलर डिग्री। इसके बाद से कुछ लोग PG भी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं मेडिकल लाइन में, ठीक है? इसके बाद से कुछ लोग PG भी करते हैं मेडिकल लाइन में। ऐसा क्यों आप लोगों को यह बताया जा रहा है? क्यों? क्योंकि जिसकी हम तैयारी करने जा रहे हैं उसका आधार तो हमें पता होना चाहिए कि आगे हमें क्या क्या करना होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता नहीं रहा होगा। पता था निकिता? नहीं पता था। अभी आपको पता है नीट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, मेडिकल लाइन में करियर चूज़ करने के लिए होता है। इसकी आजकल इसका एग्ज़ाम करा रहा है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इसके द्वारा हम बैचलर कोर्सेज यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करते हैं, जैसे कि MBBS, BHMS, BDS, BAMS, और कुछ लोग इसके बाद से फिर PG करते हैं, इसके पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज को करते हैं, ठीक? यहाँ से भी आप डॉक्टर कहे जाएंगे, यहाँ से भी क्या कहे जाएंगे आप? डॉक्टर। यहाँ से भी आप डॉक्टर कहे जाएंगे, ठीक? लेकिन थोड़ा बड़े डॉक्टर कहे जाएंगे, अच्छी डिग्री हो गई, किसी एक में ज़्यादा आप एक्सपर्टीज़ हो गए। यहाँ तक आप पूरा ह्यूमन बॉडी को पढ़ेंगे, MBBS के दौरान ह्यूमंस को पढ़ेंगे, और उसके बाद उसी में किसी एक पर्टिकुलर अंग पर आपका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। जैसे कान के डॉक्टर, आँख के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर होता है ना, तो वह कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चल, तो हमें इसको क्वालिफाई करने के लिए चार सब्जेक्ट तो पढ़ने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी को भी दो हिस्से में बांट दिया जाए तो चार हो जाएंगे, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है? जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान बोलने की तो आवश्यकता नहीं है, जूलॉजी बॉटनी तो पकड़ में आई रही होगी बात। तो जो इसके सिलेबाई है यानी कि सिलेबाई या सिलेबस बोलते हैं, उसमें सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, दूसरा क्या सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री, और तीसरा क्या सब्जेक्ट है? बायोलॉजी। बायोलॉजी बच्चों, बायोलॉजी जो है दो भागों में बटेगी, किसमें किसमें? जूलॉजी और बॉटनी में। जूलॉजी और बॉटनी में बढ़ जाएगी, ठीक? जूलॉजी और बॉटनी, तो हम बायोलॉजी के अंतर्गत इन दोनों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम वनस्पति विज्ञान को टैकल करेंगे, उसके बाद फिर हम जूलॉजी को पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान को, ठीक? अब हेडिंग डाला जाएगा बॉटनी। हम लोग पहले कौन से पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं? बॉटनी को, फिर हम किसको पढ़ेंगे? जूलॉजी को पढ़ेंगे, ठीक है? इसी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक है? हर क्लास की ऐसी रिकॉर्डिंग होती रहेगी, जब आप लोग कमरे में बैठे हैं, नहीं कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है लेकिन क्लास देख तो सकते हैं, तो YouTube पे चैनल लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? एक और प्रश्न का जवाब दो, ये कौन सा है? ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जहाँ पे हम लोग नोट कर रहे थे फादर ऑफ जेनेटिक्स लिख लिए, जहाँ पे हम लोग अरस्तु के बारे में लिखा, थियोफ्रेस्टर के बारे में, उसी के नीचे ये भी लिख लीजिए, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के जनक।
ये कौन है? ये है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले सरलतम सूक्ष्मदर्शी बनाया। सरलतम सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। हाँ हाँ बिल्कुल आराम से लिखो। पहली क्लास है, थोड़ा स्लो स्लो चलाएंगे, उसके बाद फिर स्पीड गेयरअप करेंगे। पहले रास्ते समझ तो जाए कहाँ कहाँ चलना है अपन को। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने सरलतम सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। ये भी लिख लीजिए हिंदी में, इन्होंने सरलतम सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, लिख लो। डिस्कवरर ऑफ माइक्रोस्कोप लिखा है ना, डिस्कवरर ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक, सरलतम सूक्ष्मदर्शी खोज की थी, छोटे छोटे लेंस लगा के उन्होंने चीज़ों को बड़ा देखा था। ठीक, आइए दूसरे का अध्ययन करते हैं। ये कौन है बताइए? नहीं पता। रॉबर्ट हुक, डिस्कवरर ऑफ सेल, कोशिका की खोज की थी, कार्क की कोशिकाओं में। किसकी कोशिकाओं में? कार्क की कोशिकाओं में, कार्क, कार्क सेल में, या कार्क में खोजा था इन्होंने। कार्क जो है, आप लोग देखे हो परफ्यूम की बॉटल में जो ढक्कन लगाया जाता है, लकड़ी जैसा आता है, उसे कार्क बोलते हैं। वो कार्क जो है क्वेरकस सुबर, क्वेरकस, क्वेरकस सुबर नामक पौधे से निकाला जाता है। क्वेरकस सुबर नामक पौधे से निकाला जाता है वो कार्क। तो उन्होंने क्या किया, कार्क की सेल को लिया, पतला पतला काटा और माइक्रोस्कोप के अंदर लगा कर देखा तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे, मधुमक्खी के छत्ते की तरह से। मधुमक्खी का छत्ता देखा है आप लोगों ने? तो कुछ इस तरह से दिखता है कि नहीं? उसी को इन्होंने नाम दिया सेल। क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। किन्होंने? रॉबर्ट हुक महोदय ने। ठीक, आइए अब हम लोग बात करेंगे। ये वाली जो लाइन है ना, ये पेज जो है, जब अपने फेयर कॉपी बनाइएगा तो उसमें ना दो पेज छोड़ दीजिएगा। जैसे ही कोई नया टॉपिक शुरू करूंगा तो उसमें फादर ऑफ बायोलॉजी तक हुआ है, थियोफ्रेस्टस हो गए बॉटनी के जनक, सेल के डिस्कवर हो गए, सारे डिस्कवर के नाम एक जगह नोट करा देंगे तो आपकी एक जगह नोट हो जाएगी। इसीलिए जब आप आज तो रफ कॉपी में नोट कर रहे हैं, कल से आप लोगों को एक न्यू कॉपी लेकर के आनी होगी बायोलॉजी के लिए। ठीक है, न्यू बायोलॉजी कॉपी ले आइएगा, एक रजिस्टर खरीद लीजिएगा। ठीक, उसमें हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत के दो पेजेज, पेज वन और पेज टू हम लोग छोड़ देते हैं। किसके लिए? फादर ऑफ जनकों के नाम के लिए छोड़ देते। कौन किसकी खोज की थी, माइक्रोस्कोप की किसने खोज की थी, माइटोकॉन्ड्रिया किसने खोज की थी, यह सभी कुछ, किसने किसकी खोज की थी, इसके लिए हम लोग दो पेज आगे के छोड़ देंगे। आज जितना लिखा है थोड़ा सा लिख दीजिएगा यहाँ पे, फिर बाकी के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक, दो या तीन पेज आप लोग चाहिए तो, छोटे बच्चे हैं आप लोग, थोड़ा बड़ा सा लिखते हैं तो तीन पेज छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को टच करते जाएंगे। फिर जब भी मैं कहूँगा कि पीछे वाले पे नोट कर लीजिए तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो जब आपको याद करना होगा, जब मैं आपका टेस्ट लूँगा तो आप सबको एक जगह आपको याद करने को मिल जाएगा। ठीक, अभी हमारी बात आप लोग सब समझ पा रहे हैं? कहीं किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, आगे चलें हम सब। शुरुआत करते हैं धरती के बनने से। ठीक है, अर्थ कैसे बनी, ठीक, यहाँ से शुरुआत करते हैं बच्चों। अर्थ जो है, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है, 4.0 से 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, बी बिलियन ईयर एगो, बी आई डबल एल आई ओ एन, बिलियन ईयर एगो बेटा, 4.0 से 3.5 बिलियन ईयर्स एगो अपनी धरती का निर्माण हुआ। क्या हुआ? पहले ना अंतरिक्ष में बहुत बड़े बड़े पिंड थे, कोई एक जो है मेट्रॉयड या एस्ट्रॉयड आकर के टकराया होगा, वो पिंड छोटे छोटे भागों में टूट गए, जिसमें निर्माण हुआ हमारे ग्रहों का। ठीक है, अब ग्रह का निर्माण हुआ, छोटे छोटे ग्रह बन गए, उसी में से एक ग्रह कौन बन गया? हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ बन गई। अर्थ जब बनी तो उस दौरान अर्थ एकदम गर्म पिंड का गोला थी। किसका गोला थी? गर्म पिंड का गोला थी। जब भी बच्चों गर्मी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो आप लोग देखते होंगे कि बारिश बहुत तेज़ी से होती है। बहुत तेज़ी से क्या होती है? वर्षा होती है। जब वर्षा हुई, बहुत 6 महीने तक लगातार वर्षा चली, जब बहुत ज़्यादा वर्षा हुई तो जहाँ गड्ढे थे धरती ठंडी भी हो गई, लेकिन जहाँ जहाँ गड्ढे थे वहाँ वहाँ समुद्र बन गए। भाई पानी इकट्ठा हो गया, वहाँ क्या बन गया? समुद्र बन गया। ठीक, इससे निर्माण हुआ हमारी धरती का और उस पर बने हमारे समुद्र। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक बड़ा पिंड था, उस पर कोई पिंड छोटा टकराया, उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से छोटे छोटे पिंड बन गए, जिसे हम ग्रह का नाम देते हैं। उन ग्रहों के आपस में, उसी में से एक ग्रह क्या है? अपनी अर्थ है। उसी में से एक ग्रह क्या है? अपना अर्थ है। अब उस अर्थ का, ये अर्थ है,
उस अर्थ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्म पिंड का गोला था, बहुत सारी वर्षा हुई, वर्षा होने से क्या हुआ, गर्मी ठंडी हो गई और उससे हमारी धरती पे समुद्रों का निर्माण हो गया। यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब समुद्र भी आ गए तो धीरे धीरे जब मैं आप लोगों को इपोक और इरा पढ़ाऊंगा, समय काल पढ़ाऊंगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाऊंगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इससे बच्चों बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं एक अलग से आप लोगों को सारणी बनाऊंगा, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि किस समय में किस चीज़ का निर्माण हुआ था, ठीक। ये मैटर है तब मैं बता पाऊंगा जब आपको कुछ आधारभूत चीज़ें पहले से मैं बता दूंगा, उसके बाद मैं ये चीज़ें आपको बता पाऊंगा, ठीक है। क्यों जैस्मिन रिकॉर्ड हो रहा है? ठीक है, आप ही हमारे रिकॉर्डर, आपको प्लीज़ देख लिया करिए, ठीक है, क्योंकि बंद हो जाएगा तो फिर नुकसान आप सबका है, क्योंकि रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए ना, आप सबको जाएगा, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम पढ़ाएंगे तब जब आप लोगों को आधार की कुछ चीज़ें पता, बेस पता होगा। फिलहाल मैं बताऊं तो धरती बन गई, समुद्र भी बन गया। सबसे जो पहला प्लांट बना हुआ था जलीय पौधा, वह कौन सा था? जलीय पौधा, जिसे हम एल्गी के नाम से जानते हैं, एल्गी यानी कि शैवाल, एल्गी यानी कि शैवाल के नाम से जानते हैं। जो सबसे पहले पौधा बना था वह एक्वेटिक था, क्या था? एक्वेटिक यानी कि जलीय, एक्वेटिक मतलब कि जलीय। अब यहाँ पे बार बार आप लोगों को जलीय बोलने की हमें आवश्यकता नहीं होगी, एक बार एक्वेटिक बोल दिया जैस्मिन, आपने जलीय भी लिख दिया, अब आप यहाँ से समझ जाएंगे, ठीक है। किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही ना हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि सीखने में तो कोई दिक्कत है नहीं, ऐसा तो नहीं कसम खा गए कि नहीं हम तो हिंदी ही पढ़ें, नहीं कसम नहीं खाना किसी को, सबका स्वागत है। एक बार हिंदी में और अंग्रेजी में पढ़ लेंगे, अगली बार से फिर इंग्लिश कर लेंगे, ठीक है। अब इस शब्द को बार बार हमें जलीय बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो सबसे पहले पौधा बना हुआ था एल्गी, इसके बाद समय बीता, धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे समय हमारा बीत रहा है वैसे फिर से समय बीता, और समय बीतने के साथ साथ निर्माण हुआ ब्रायोफाइटा का, निर्माण हुआ ब्रायोफाइटा का। बच्चों यह पौधे तो जल में रहते थे, इनमें समय क्या करता है, धीरे धीरे हमारा जो प्रकृति है धीरे धीरे कमियों को पूरी करती है, धीरे धीरे कमियों को पूरा करती है। कमियों से पूरा करने का मतलब जो इन एल्गी में कमियां थी, एल्गी में जो समस्याएं रही होंगी उसको ब्रायोफाइटा में पूरा कर दिया गया होगा। तो कुछ एल्गी तो जल में रहते थे लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होते होते ऐसा हुआ कि कुछ ब्रायोफाइट बन गए और यह क्या हुआ, स्थल और जल दोनों में रहने लगे, स्थल और जल दोनों में रहने लगे, मतलब कि टेरेस्ट्रियल भी थे। टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थलीय और एक्वेटिक का मतलब जलीय, एंड एक्वेटिक बोथ, ठीक है। अब एक्वेटिक का मतलब मैं नहीं बताऊं क्योंकि मैं वहां बता चुका हूं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल का मतलब वह पौधे। अब यहां देखिए सबसे पहले कौन बना, एल्गी बना, जो कि हमेशा क्या था, जल में ही रहता था। उसके बाद इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के बाद ब्रायोफाइटा बन गए। ब्रायोफाइटा ऐसे पौधे बन गए जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं। अब जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं जैसे कि मेढक, तो उसे हम क्या कहते हैं, उभयचर बोलते हैं ना, तो इनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, उभयचर ऑफ द प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत के उभयचर है, यानी कि एम्फीबिया है। इसको लिखते हैं दे आर कॉल्ड एज एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबिया मैं हिंदी में भी बताऊंगा बच्चों, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। गिर गया, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक। मतलब इसका मतलब यह होगा जैस्मिन, देखो दे आर कॉल्ड एज एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम, मतलब कि इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। एम्फीबिया का मतलब उभयचर, एम्फीबिया का मतलब उभयचर। यहां देखो उभय, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ठीक। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इनका रिप्रोडक्शन होता है तो इनका रिप्रोडक्शन जल में ही पॉसिबल है, हर टॉपिक को अलग अलग पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे, कोई समस्या नहीं है, फटाफट नहीं करेंगे, पूरी डिटेल में एल्गी को पढ़ेंगे, फिर ब्रायो को पढ़ेंगे, फिर अब आगे की बात करते हैं कैसे इवोल्यूशन हुआ है। अब देखो ब्रायोफाइटा हमने पढ़ लिया, अब फिर से समय बीता, फिर से समय तो चल ही रहा है, समय का चक्कर चल रहा है, धीरे धीरे इवोल्यूशन यानी प्रगति हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, उत्परिवर्तन हो रहा है। ब्रायोफाइटा के बाद यह तो जल और थल दोनों में पाए जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी जंतु आ गए जो सिर्फ और सिर्फ थल पे पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग टेरिडोफाइटा कहते हैं, टेरिडोफाइटा। लेकिन पी लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ देखो पी लिखा हुआ है, तो पी टेरिडोफाइटा होना चाहिए, नहीं यहाँ पे पी साइलेंट है, तो क्या बोलेंगे इसे, टेरिडोफाइटा, पी साइलेंट और टेरिडोफाइटा। स्पेलिंग में किसी को दिक्कत हो रही है, सबको समझ में आ रहा है, चलो टेरिडोफाइटा कहते हैं। अब ये पौधे जो अभी मिटा दे नीचे वाला,
नीचे आपने लिख लिया है, मिटा दें, चलो नीचे से मिटा दें। ये क्या थे? ये टेरेस्ट्रियल भी थे और एक्वेटिक भी थे, टेरेस्ट्रियल प्लस एक्वेटिक, यानी कि उभयचर थे। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल होंगे। क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल। फिर गिर गया, ठीक है, हमारे लगाने में समस्या है। चलिए, ये है क्या? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। कल से दूसरी चौक भी लाएंगे, ये चौक चलती नहीं है। टेरेस्ट्रियल हो गए, ठीक। अब बच्चों, फिर समय चला, समय का चक्र चलता गया, फिर डेवलपमेंट हुआ, उत्परिवर्तन हुआ, और इवोल्यूशन के फलस्वरूप निर्माण हुआ जिम्नोस्पर्म्स का। किसका? जिम्नोस्पर्म। नाम सुना है आप लोगों ने? जिम्नोस्पर्म्स का, ठीक है, जिम्नोस्पर्म का निर्माण हुआ। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड या बीज। ऐसे पौधे जिनकी बीज पर कोई कवरिंग ना पाई जाए, जैसे ऐसे कौन से पौधे हैं जिनके बीज में कोई कवरिंग नहीं पाई जाएगी? ऐसे ही पौधे होते हैं। पहले ये याद करो कि किन किन बीज पे कवरिंग पाई जाती है। जैसे मूंगफली, कवरिंग पाई जाती है बीज पर। अरे जैसे फूंक के उड़ाते हैं, खाते समय ऐसे फूंकते हैं ना, कवरिंग पाई जाती है। बीज चोल कहते हैं उसे, ठीक है। आम, आम के ऊपर कवरिंग पाई जाती है, गुठली के ऊपर कवर, उसी को तो काट के खाते हैं, मटेरियल तो वही होता है असली खाने वाला। तो जिसके ऊपर पाया जाए वह तो हो गया एंजियोस्पर्म। लेकिन ऐसे पौधे जिनमें कोई बीज के ऊपर कोई चोल यानी कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है, वो किसके अंतर्गत आएंगे? जिम्नोस्पर्म। इसीलिए इनका नाम हिंदी में कहा जाता है अनावृत बीजी पौधे, ठीक है, अनावृत बीजी पौधे। समझ में आया? आया कि नहीं आया? ठीक है। अब फिर समय का चक्र चला, फिर किसका चक्र चला? समय का चक्र चला, और अब निर्माण हुआ एंजियोस्पर्म्स का। किसका निर्माण हुआ? एंजियोस्पर्म्स का, एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी, जिनके ऊपर कवर पाया जाए, आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधे, ठीक है। यहां तक समझ में आया? निकिता टू, निकिता मैंने टू बोल दिया एक साथ दोनों को। चलो, तो आप दोनों को समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आया? क्यों पल महक, ठीक है। एक एक करके सभी का अध्ययन हम सब करेंगे, ठीक। कल किसी एक टॉपिक को इसमें से उठाएंगे हम लोग। देखो बेसिकली किस तरह से पढ़ेंगे, ठीक। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले थियोरी, ठीक। क्या करेंगे? थियोरी पढ़ेंगे, थियोरी। फिर उसकी हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस। फिर हम लोग उस पर क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे, ठीक है। यानी कि टीपीटी मॉड्यूल से पढ़ेंगे, थियोरी प्रैक्टिस और टेस्ट, थियोरी प्रैक्टिस और टेस्ट, ठीक। कोई भी एक टॉपिक हम लोग उठाएंगे, उसका एक हफ्ते के आसपास मोटा मोटा अध्ययन करेंगे, एक से डेढ़ हफ्ते लगेंगे, ठीक। कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे सब कुछ। जो भी चीज़ पढ़ोगे आप लोग एकदम समझ जाओगे। फिर उसके बाद हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके आए हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे। फिर एक दिन आएगा कि हम आप सबका टेस्ट लेंगे, ठीक है। फिर उस हाँ क्या चीज़ थियरी में नीट के लिए प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल की चीज़ें दिखाई जाएंगी। ये स्मार्ट क्लास इसीलिए है ताकि आपको वह चीज़ दिखाई जाए, आप उस चीज़ को अपने कैंपस में जो प्लांट लगे हुए आप उसे पहचान पाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? अपनी लाइफ से जोड़ पाएंगे और आप समझ पाएंगे, ठीक। तो हमारे बायोलॉजी में कौन कौन से दो सेक्शन है जरा बता दीजिए आज की क्लास के समापन में। कौन कौन से दो सेक्शन? जूलॉजी और बॉटनी, वेरी गुड, ठीक। हम लोग कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? बॉटनी का हिस्सा पढ़ रहे हैं। बॉटनी को हिंदी में क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान, वेरी गुड। तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में कौन कौन से पौधे आते हैं? जो भी हमारे आसपास के हैं, आम, नीम, जामुन, ये सब किस में आ जाएंगे? एंजियोस्पर्म। क्यों? क्योंकि इनके बीज पर कवरिंग पाई जाती है। अनावृत बीजी पौधे में कौन से पौधे आ जाते हैं? साइकस, पाइनस, इफेड्रा। कौन कौन से आ जाते हैं? इसका उदाहरण नोट कर लीजिए। साइकस, यहां नोट करा रहे हैं, साइकस, पाइनस, पाइनस, इफेड्रा, साइकस, पाइनस, इफेड्रा, और भी बहुत सारे हैं बच्चों। जब शुरू करेंगे तो पूरा पढ़ाया जाएगा। अच्छा बच्चों, ये ध्यान दो कि जब भी मैं कोई बायोलॉजिकल नाम लिख रहा हूँ, साइंटिफिक नाम लिख रहा हूँ, तो उसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ। ध्यान दे रहे हो? ऐसा क्यों किया जा रहा है? यह किया जा रहा है द्विनाम पद्धति के कारण, ठीक है, द्विनाम पद्धति के कारण।
इसका मतलब यह है बच्चों, आप लोग भी अंडरलाइन करिएगा, जब भी कोई साइंटिफिक नाम लिखते हैं अगर किताब में आप देखेंगे तो वह इटैलिक्स यानी थोड़ा तिरछा लिखा रहता है, अगर किताब देंगे तो थोड़ा तिरछा लिखा रहता है बायोलॉजिकल नाम, लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं हाथ से लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक, तो आज से कभी भी आप लोग जब नोट करेंगे बायोलॉजिकल नाम तो क्या करेंगे उसे अंडरलाइन करेंगे, जैसे होमो सेपियंस लिखेंगे तो होमो को अंडरलाइन करेंगे फिर सेपियंस को अंडरलाइन करेंगे। ठीक, मैंगी फेरा इंडिका आम को कहते हैं तो मैंगी फेरा को अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अंडरलाइन करेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया? कल कोई नया टॉपिक हम लोग इसमें से कोई भी टॉपिक इसको नोट कर लिया है ना आप लोगों ने कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ इन पांचों को, तीन चार और पांच, एक लाइन में लिख लिया आप लोगों ने, दिखाइए जरा हमें, आपका तो एक लाइन में नहीं आ पाया, ठीक है रफ कोशिश करिएगा, हाँ ठीक है कोशिश करिएगा एक लाइन में आ जाए। ये तो फिजिक्स है जो फर्स्ट डे सर ने पढ़ाया था, बायोलॉजी किताब में सर ने पढ़ा दिया था सर, कहाँ अच्छा किताब में दिखाना सर, लाइए चलो कोई बात नहीं, हॉस्टल में नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अपन कल इसमें से कोई एक टॉपिक शुरू करें, क्या शुरू किया जाए, टेरिडोफाइटा शुरू करते हैं, क्यों क्यों टेरिडोफाइटा से, क्योंकि टेरेस्ट्रियल है। ठीक, कल हम लोग टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे यानी कि स्थलीय पौधों के बारे में कल शुरुआत, इधर क्या था कि कुछ जलीय था कुछ स्थलीय था, एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो सभी पढ़ना सभी कुछ है। सबसे पहले हम बायोलॉजी में बॉटनी को समाप्त करेंगे, उसके क्वेश्चंस लगाएंगे फिर उसके टेस्ट लगाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग किसको करेंगे सॉल्व, उसके प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट करेंगे, फिर जूलॉजी का करेंगे इसी तरह से टीपीटी मॉडल, थियरी प्रैक्टिस और टेस्ट, थियरी प्रैक्टिस और टेस्ट। प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे स्मार्ट क्लास में क्वेश्चंस लाऊंगा, आप सबको दिखाऊंगा, आप लोग बताएंगे यही सॉल्व किया जाएगा, इससे आप लोगों के दिमाग पे जोर पड़ेगा और प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों बस ये मत घबराना कि कर नहीं सकते हो, तुम लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक, साथ रहना साथ मत छोड़ना। ठीक, जैसा कहूं जैसे आज पढ़ाया हूं आज शाम को जाके उसे पढ़ लेना, जो आज पढ़ाऊँ शाम को पढ़ लेना, सुबह एक बार दोहरा लेना, अभी पढ़ना शाम सुबह दोहरा लेना, फिर अगले दिन जब मैं आऊँगा तो जिसको कोई डाउट हुआ रहेगा वो मुझसे पूछेगा, ये क्रम चलता रहेगा जब तक कि अपना कोर्स पूरा नहीं हो जाता है। बहुत सबसे ज़्यादा पावरफुल या बहुत ज़्यादा वेटेज है बायोलॉजी का नीट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो नीट को हम लोग बहुत मज़े से पढ़ेंगे, आगे भी सब लोग जुड़े रहिएगा। ठीक, अपना चैनल पे देख लेना कैसे है, चैनल आप लोगों को दिखाई दे चुका है, बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे, कल टेरिडोफाइट पढ़ेंगे। ठीक, तो कॉपी लेकर के आइएगा और कॉपी के आगे पहले दो तीन पेज छोड़ देने हैं जिसमें हम लोग फादर ऑफ बॉटनी बायोलॉजी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करा देंगे ताकि एक बार में आप सब याद कर सकें। किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, जैस्मिन कुछ पूछना है आपको, आपको आपने 2022 का भरा हुआ है, फिर जो भरा ही नहीं है अभी फॉर्म आए हैं, एग्जाम की डेट आ गई, फॉर्म की डेट आई है 17 जुलाई को है, तब तक हम लोग बायोलॉजी में बहुत सारा बॉटनी का हिस्सा बहुत सारा पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इतना जल्दी तो हम लोग नहीं पढ़ा सकते, 6 महीना समय तो सबको लगता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे तब तक बायोलॉजी का आधा से ज़्यादा हिस्सा पढ़ चुके होंगे, मतलब जब आप लोग एग्जाम फॉर्म जरूर भरना।